इंडो इस्लामिक कल्चर फाउंडेशन ने अयोध्या के धनीपुर में मिली भूमि पर मस्जिद के सांकेतिक शुरुआत कर दी है। सबसे पहले गणतंत्र दिवस के दिन भारत का झंडा फहराया गया और राष्ट्र गीत गाया गया। इसके बाद फाउंडेशन के सभी 9 सदस्यों ने एक एक पौधारोपण किया और मस्जिद की सांकेतिक शुरुआत की। यहाँ पर मस्जिद के अलावा एक लाइब्रेरी, एक रिसर्च सेंटर और एक कम्युनिटी किचन भी बनाया जाएगा। इस किचन में किसी को भी भोजन करने की इजाजत होगी और इसकी क्षमता प्रतिदिन 1000 लोगों की होगी। नजर आई अयोध्या की खूबसूरती। मस्जिद के सांकेतिक शुरुआत के मौके पर राम मंदिर आंदोलन से जुड़े कुछ मुस्लिम वर्ग के लोगों के साथ साथ वह हिंदू भी शामिल थे, जिन्होंने राम मंदिर आंदोलन के लिए संघर्ष किया था। यही अयोध्या की खूबसूरती है और यही अयोध्या की तहजीब भी। गणतंत्र दिवस के दिन अयोध्या की खूबसूरती को और 4 चांद लग गए थे। ये तारीख अयोध्या की तारीख के रूप में सुनहरे माइलस्टोन के रूप में दर्ज की गई। देखिए अयोध्या से तुफैल अहमद की रिपोर्ट।